आज मैं आपको ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर के बारे में बताने जा रहा हूँ। ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर क्या होता है तथा यह कैसे काम करता है तथा ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर के अंदर क्या क्या लगा होता है, इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल से बताने जा रहा हूँ। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो आप इसे पूरा लास्ट तक देखिए। हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम सीरीज। माय नेम इज मनीष गुप्ता। सबसे पहले बात करते हैं ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर क्या है। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, एक ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर तथा दूसरा ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर। यहाँ पर आपके सामने एक ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर को दिखाया गया है। ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर वो होते हैं जिसमें ट्रांसफार्मर ऑयल का यूज इंसुलेशन तथा कूलिंग के लिए नहीं यूज किया जाता, जैसा कि ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर ऑयल का काम इंसुलेशन तथा कूलिंग के लिए होता है। तो अब बात करते हैं ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर में इंसुलेशन तथा कूलिंग के लिए क्या यूज किया जाता है। ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर में हाई टेम्परेचर इंसुलेशन सिस्टम का यूज होता है, जैसे कि ड्राई कास्ट रेजिन का इस्तेमाल किया जा सकता है इंसुलेशन के लिए, तथा कूलिंग के लिए नेचुरल एयर कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल हो सकता है। अब बात करते हैं ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, एक कास्ट रेजिन ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर तथा दूसरा वैक्यूम प्रेशर इम्प्रिग्नेटेड ट्रांसफार्मर। यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको कास्ट रेजिन ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर के बारे में बताने जा रहा हूँ और आपको मैं प्रैक्टिकली अपने सब स्टेशन का ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस भी दिखाऊंगा। यह मेरे सब स्टेशन का एक ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर है जिसकी कैपेसिटी 2000 केवी है, यानी कि 2000 किलोवोल्ट एम्पियर, यानी कि 2 मेगावोल्ट एम्पियर है। यहाँ पर ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर को समझाने के लिए मैं एसटी साइड, एलटी साइड, अर्थिंग, डब्ल्यूटीआई यानी कि वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेशन एटसेट्रा के माध्यम से 1x1 करके आपको डिटेल में बताऊंगा। चूंकि ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर ऑयल का यूज नहीं किया जाता, इसकी वजह से यहाँ पर कई सारे कंपोनेंट हट जाते हैं एज कम्पेयर टू ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर की तुलना में, जैसे कि कंजर्वेटर, ब्रीथर, ऑयल टेम्परेचर इंडिकेशन, ये सभी चीजें ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर में नहीं लगी होती हैं। अब बात करते हैं ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर के मेंटेनेंस की। तो ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस करने से पहले आप ट्रांसफार्मर को ऑफ कर देंगे वैक्यूम सर्किट ब्रेकर या फिर एयर सर्किट ब्रेकर या फिर जो भी सर्किट ब्रेकर आपके सब स्टेशन में लगा हो। तो ट्रांसफार्मर को ऑफ करने के बाद आप इसके ट्रांसफार्मर के चारों साइड में डोर लगे होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, बिकॉज ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर को एक बॉक्स के अंदर पैक कर दिया जाता है और उसके चारों साइड में डोर दे दिए जाते हैं जो कि एसटी साइड, एलटी साइड, कोर के पास बने होते हैं। तो आप डोर की से एक एक करके इसके सभी डोर को ओपन कर लीजिए। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पर की को मैंने डोर में लगाया और मैं इसके डोर को ओपन करूंगा। ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर तथा ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर में यही अंतर है कि ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर ऑयल का यूज इंसुलेशन तथा कूलिंग के लिए नहीं किया जाता है, जबकि ट्रांसफार्मर ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर में जरूर होता है। तो आप ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर को ऐसे डोर से ओपन नहीं कर सकते, वहाँ पर टैंक के अंदर कोर रखा होता है जिसे टैंक को आप ऊपर से लिफ्ट कर खोल कर देख सकते हैं। आप मेरी ट्रांसफार्मर की प्लेलिस्ट में जाकर ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर के बारे में देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर के सभी डोर को जब आप ओपन कर लेंगे तो अंदर से कुछ इस तरीके से दिखेगा। यह इस ट्रांसफार्मर का कोर है और इसके अंदर ही तीनों वाइंडिंग है। चूंकि यह 3 फेज 2000 केवीए का ट्रांसफार्मर है तो यहाँ पर टोटल 3 प्रकार की वाइंडिंग होगी। अब आपको एक वायर लेनी है कम से कम 2.5 से 4 स्क्वायर एमएम की। चूंकि यह ट्रांसफार्मर पहले से चार्ज था तो इस ट्रांसफार्मर को डिस्चार्ज करना जरूरी है। उसके लिए आप वायर को अपने सब स्टेशन की एक अर्थ प्लेट में इस प्रकार से कनेक्ट कर देंगे तथा दूसरी लीड से आप ट्रांसफार्मर के एसटी तथा एलटी साइड में तार से टच करेंगे, जिससे कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो भी चार्जिंग होगी वो डिस्चार्ज हो जाएगी अर्थ के थ्रू। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले रेड फेज में लगाया, अब यह डिस्चार्ज हो जाएगा। तो जब भी आप ट्रांसफार्मर खोलें इसे हाथ से टच ना करें, अगर हाथ से टच करेंगे तो आपको बहुत तेज शॉक लग सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रांसफार्मर एक इंडक्टिव डिवाइस है और आप जानते हैं कि इंडक्टर अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करके रखता है, तो इसलिए ट्रांसफार्मर के अंदर स्टोर्ड एनर्जी को डिस्चार्ज करना बहुत जरूरी है। तो डिस्चार्ज करने के लिए आप डिस्चार्ज रॉड बना सकते हैं या फिर जैसे अभी मैंने आपके सामने दिखाया, आप अपने पास एक वायर लें, वायर की मोटाई कम से कम 4 स्क्वायर एमएम हो तो बेटर है, और वायर के एक सिरे को अर्थ स्ट्रिप में कनेक्ट करें तथा दूसरे सिरे को एसटी बस बार पे लगाएं। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, एक सिरे को मैंने अर्थ स्ट्रिप में कनेक्ट कर रखा है, दूसरे सिरे से मैं एसटी साइड के बस बार के ऊपर एक एक करके कनेक्ट करते जा रहा हूं। जैसे ही वायर को आप बस बार के ऊपर कनेक्ट करेंगे तो एक हल्की सी स्पार्किंग होगी तथा ट्रांसफार्मर के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होगी वह अर्थ के थ्रू डिस्चार्ज हो जाएगी। यह करना बहुत जरूरी है, इसके बाद ही आप ट्रांसफार्मर के कोर को हाथ से टच कर सकते हैं और मेंटेनेंस वर्क कर सकते हैं। अब मैं आपको ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर के एसटी साइड यानी कि 11000 वोल्ट
के साइड के बारे में बताने जा रहा हूँ। चूंकि यह ट्रांसफार्मर 11000 वोल्ट ऑब्लिक 415 वोल्ट का है, तो यह इस ट्रांसफार्मर का ST साइड है, यानी कि 11000 वोल्ट का साइड है। यहाँ पर देख सकते हैं 1U 1V तथा 1W लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर टोटल 3 फेज यानी कि 3 कोर की ST केबल आ रही है, जिससे कि 3 बस बार चार्ज हो रही है। यहाँ पर आपके सामने एक 400 स्क्वायर mm की 3 कोर की केबल है, जिससे कि इस ट्रांसफार्मर को 11000 वोल्ट की ST सप्लाई यानी कि हाई टेंशन सप्लाई दी जा रही है। यहाँ पर आपके सामने एक बुशिंग लगा हुआ है जो कि इंसुलेशन का काम करता है। इसके अंदर से वायर यानी कि केबल कनेक्ट होती है और बस बार को चार्ज करती है। ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर में ST साइड का इंसुलेशन यानी कि बुशिंग ही सबसे ज्यादा डैमेज होता है। यहाँ पर इस सब स्टेशन में लगभग 4-5 साल में एक बार यह डैमेज हो चुका है। यहाँ पर ST साइड में जो बस बार है वह 11000 वोल्ट पर काम करती है तथा कॉपर की बनी हुई है। अब मैं आपको ST साइड के अंदर लेकर जा रहा हूँ। यहाँ पर आपके सामने देख सकते हैं 11000 वोल्ट की ST सप्लाई जो केबल के थ्रू आ रही थी, उससे यहाँ पर 3 बस बार लगे हुए हैं, कॉपर के बने हुए हैं। इनसे ये 3 बस बार चार्ज हो जाती है और उसके बाद से बस बार से एक केबल के थ्रू ट्रांसफार्मर के कोर यानी कि ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड में कनेक्ट हो जाती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और तीनों कोर की सप्लाई जो ट्रांसफार्मर के कोर में दी जा रही है वह आपस में एक प्लेट के थ्रू डेल्टा में कनेक्टेड है। चूंकि यह ट्रांसफार्मर 3 फेज 11000 वोल्ट ऑब्लिक 415 वोल्ट का है और यह ट्रांसफार्मर डेल्टा टू स्टार विद न्यूट्रल कनेक्टेड है, यानी कि इसकी प्राइमरी साइड यानी कि 11000 वोल्ट की साइड या फिर ST साइड डेल्टा में कनेक्टेड है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 3 बस बार हैं जो कि रेड फेज, येलो फेज तथा ब्लू फेज के लिए काम करती हैं। इन तीनों से सप्लाई ट्रांसफार्मर के कोर में जाती है तथा कोर से ट्रांसफार्मर उसे स्टेप डाउन कर 415 वोल्ट 3 फेज 4 वायर में निकालता है। चूंकि यह ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर है तो यहाँ पर कोर को ऐसे ही बॉक्स में रखा जाता है, जबकि अगर यह ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर होता तो कोर को एक ट्रांसफार्मर ऑयल के टैंक में रख दिया जाता तथा टैंक के अंदर जो तेल होता वही इंसुलेशन तथा कूलिंग का काम करता। लेकिन यहाँ पर इंसुलेशन को ही मजबूत किया गया और इससे ही कूलिंग दी जा रही है। तो यहाँ पर मेंटेनेंस करने के लिए मेरे पास में एक ब्लोअर है और ब्लोअर से मैं इसकी मिट्टी को साफ करने जा रहा हूँ। जैसे कि देख सकते हैं इस ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस करने के लिए आपको इसकी क्लीनिंग डस्टिंग करने की ही जरूरत है, जबकि ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर में मेंटेनेंस करने के लिए ऑयल को भी चेक करना पड़ता है। ऑयल की ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्ट या फिर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेन टेस्ट भी टाइम टू टाइम कराना जरूरी होता है, तो वहां पर मेंटेनेंस ज्यादा होता है। लेकिन यहां पर ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर में इस प्रकार के मेंटेनेंस बहुत कम होते हैं, यहां पर मेंटेनेंस केवल क्लीनिंग का ही होता है। तो आप ब्लोअर से ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर के कोर को तथा ST साइड में इस प्रकार से ब्लोअर से साफ करेंगे तो इसके अंदर भी जो भी डस्ट या फिर मिट्टी जमा होगी वो साफ हो जाएगी। उसके बाद आप एक सूखे कपड़े से इसको साफ कर सकते हैं और यह साफ हो जाएगा। ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर में मेंटेनेंस हमें यही करना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर की यह बस बार है जो कि कोर के अंदर जा रही है और कोर के अंदर ही वाइंडिंग है जो कि डेल्टा टू स्टार विद न्यूट्रल में कनेक्टेड है। तो आप लोअर से जैसे देखिए यहाँ पर साफ कर रहे हैं, यहाँ पर आपके सामने डस्ट दिख रहा होगा, ये सभी डस्ट उड़ रहे हैं। आपको इसे अच्छी प्रकार से साफ कर लेना है और जब यह साफ हो जाएगा तो आप एक सूखे कपड़े से और अच्छी तरीके से क्लीन कर लीजिए। ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए यहाँ पर कोर को इस बॉक्स में नीचे बेस पर माउंट कर दिया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बॉक्स में हल्की जाली सी दी गई है ताकि यह कोर अपने आप नेचुरली कूल हो पाए। अगर यह बड़ा ट्रांसफार्मर होता तो यहाँ पर फोर्सफुली एयर कूलिंग करानी पड़ती, लेकिन यह एयर नेचुरल कूलिंग सिस्टम का इसमें इस्तेमाल किया गया है, यानी कि यह अपने आप ठंडा होता रहेगा। तो अब इसे सावधानी से इस प्रकार से क्लीन कर लेंगे। अब बात करते हैं LT साइड यानी कि 415 वोल्ट की साइड में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह डेल्टा टू स्टार विद न्यूट्रल कनेक्टेड है, तो LT साइड में टोटल 4 प्लेट होंगी या फिर 4 बस बार होंगे। इसके लिए यहाँ पर 4 कोर की केबल का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर चूंकि इस ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी 2000 kV है तो इतने साइज की केबल नहीं आती, तो यहाँ पर सैंडविच बस ट्रंकिंग सिस्टम का यूज किया गया है, तो यहाँ पर भी टोटल 4 बस बार होंगे। तो यहाँ पर देखिए LT पैनल के आगे यहाँ पर ब्लोअर से मैं इसकी मिट्टी को डस्ट को क्लीन कर रहा हूँ। आपको इस तरीके से क्लीन कर लेना है। बेसिकली ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर में मेंटेनेंस के लिए केवल क्लीनिंग ही होता है, इसके अलावा अर्थिंग की वैल्यू टेस्ट करना होता है, बाकी और कुछ नहीं होता। जैसा कि ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर में होता है कि आपको ट्रांसफार्मर ऑयल की BDB टेस्ट करानी है
या फिर उसका इंसुलेशन चेक करना है। ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर में भी आपको इंसुलेशन चेक करना पड़ सकता है। यहाँ पर आपके सामने देख सकते हैं, यहाँ पर ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर की एलटी साइड यानी कि सैंडविच बस ट्रंकिंग सिस्टम को ब्लोअर से क्लीन किया जा रहा है। यहाँ पर मैं ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर से जो एलटी साइड के थ्रू चार फेज में बस बार निकल रही है वह सैंडविच बस ट्रंकिंग सिस्टम का यूज किया गया है। तो यहाँ पर सैंडविच बस ट्रंकिंग को मैं ब्लोअर से क्लीन कर रहा हूँ। आपको इस प्रकार से ब्लोअर से सैंडविच बस ट्रंकिंग सिस्टम को अच्छे से साफ कर लेना है। आप इसे जब क्लीन कर लेंगे तो इसके ऊपर से डस्ट हट जाएगी और आपका ट्रांसफार्मर सेफ हो जाएगा। ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर यानी कि यह ड्राई होता है, इसके अंदर तेल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यह ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर का कोर है तथा कोर में ही एक साइड में एसटी साइड यानी कि 11000 वोल्ट की साइड तथा दूसरे साइड में एलटी यानी कि 415 वोल्ट की साइड कनेक्टेड है। तो आप कोर को इस प्रकार ब्लोअर से साफ कर लेंगे, जैसे कि कुछ देर पहले आपने एसटी साइड की बस बार को देखा था क्लीन होते हुए, इसी प्रकार आप एलटी साइड में बस बार को क्लीन कर लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कितना डस्ट जमा हो रखा है जिसे ब्लोअर से साफ करते समय यह डस्ट उड़ रहा है। यहाँ पर इस साइड में देख सकते हैं कि टोटल चार बस बार हैं, जबकि एसटी साइड में केवल तीन बस बार थी जो कि रेड येलो तथा ब्लू फेज के लिए थी, लेकिन एलटी साइड में चार बस बार हैं। बिकॉज यह डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है तो हमें घरों और ऑफिसों में 240 वोल्ट या फिर 415 वोल्ट की सप्लाई देनी होती है, इसके लिए न्यूट्रल का होना कंपलसरी है। यहाँ पर आप ब्लोअर से ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर के अंदर कोर के पास में जितने भी साइड हुआ एसटी साइड एलटी साइड कोर सभी को आप साफ कर लेंगे। इसको साफ करने के बाद आप किसी कपड़े से या फिर सूखे कपड़े से या फिर डस्टर से हाथ से साफ कर लेंगे तो इसके ऊपर जो भी मिट्टी होगी वह साफ हो जाएगी। यहाँ पर ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर के अंदर घुसकर इसकी सफाई की जा रही है। इसको बाहर से आप क्लीन नहीं कर सकते बिकॉज ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर के बाहर में चारों साइड में एक बॉक्स में बंद कर दिया जाता है जिसे आपको हमेशा लॉक रखना है। अगर यह खुला रहा तो यहाँ पर कोर के ऊपर बिल्ली चूहे आकर बैठ सकते हैं तथा अंदर शॉर्ट सर्किट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए इसके चारों साइड के डोर को हमेशा बंद रखना आवश्यक है। बिकॉज ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर में कोर को एक ट्रांसफार्मर ऑयल के टैंक में रख दिया जाता है तो वहाँ पर बाहर से कोई भी जानवर अंदर नहीं आ सकता, लेकिन यह एक ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर है तो यहाँ पर कोर के अंदर कोई तेल ओल कुछ नहीं रखा होता। यहाँ पर यह ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर की बस बार है, आप इसे देख सकते हैं, यह एलटी साइड की बस बार है यानी कि यहाँ पर जो इंसुलेशन दिया गया है वह 415 वोल्ट के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, जबकि एसटी साइड की इंसुलेशन 11000 वोल्ट के अकॉर्डिंग होती है। यह ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर का कोर है, इसे देख सकते हैं। यहाँ पर कोर में, जैसा कि आप जानते हैं कि कोर में दो टाइप की कोर होती है, एक सेल टाइप तथा दूसरा कोर टाइप। यहाँ पर कोर टाइप स्ट्रक्चर का यूज किया गया है। कहने का मतलब यह है कि एलटी वाइंडिंग यानी कि 415 वोल्ट की वाइंडिंग को पहले कोर के ऊपर रखा गया है, उसके बाद एसटी वाइंडिंग यानी कि 11000 वोल्ट की वाइंडिंग को ऊपर रखा गया है, इसलिए इसे कोर टाइप वाइंडिंग कहते हैं। जबकि दूसरी प्रकार की वाइंडिंग यानी कि सेल टाइप वाइंडिंग में एलटी तथा एसटी वाइंडिंग दोनों साथ साथ लिम के ऊपर रखी जाती है, लेकिन कोर टाइप स्ट्रक्चर में पहले एलटी वाइंडिंग लपेटी जाती है देन उसके बाद एसटी वाइंडिंग को लपेटी जाती है। यह एलटी साइड का बुशिंग है और यहाँ पर टोटल चार बस बार हैं जिसमें से तीन फेज के लिए तथा चौथा न्यूट्रल के लिए यूज किया जा रहा है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर डेल्टा टू स्टार विद न्यूट्रल कनेक्टेड में सेकेंडरी साइड में न्यूट्रल को अर्थ से कनेक्टेड किया जाता है, तो यहाँ पर भी न्यूट्रल को अर्थ से कनेक्ट किया जाता है, उसके लिए एक बस बार लगी होती है। जैसे कि यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि यह ऊपर की एक न्यूट्रल में एक बस बार को कनेक्ट करके नीचे कॉपर प्लेट के थ्रू जमीन के अंदर अर्थ कर दिया जाता है। यहाँ पर जो मैंने आपको ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर दिखाया उसके अंदर कोर कुछ इस प्रकार से बनी होती है। यहाँ पर टोटल तीन सिलिंड्रिकल आकार के स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। इसके अंदर थ्री फेज वाइंडिंग की गई है जो कि तीन फेज रेड येलो तथा ब्लू के लिए काम करती है। इसके बाद ट्रांसफार्मर इस 11000 वोल्टेज को स्टेप डाउन करके 415 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। यहाँ पर आपके सामने ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर के कोर के बेस को इस असेंबली के अंदर ग्राउट कर दिया गया है नट बोल्ट की सहायता से, ताकि यह अपनी जगह पर फिक्स रहे तथा ट्रांसफार्मर को अगर लिफ्ट करे या एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करे तो कोई प्रॉब्लम ना आए। यह इस ट्रांसफार्मर की एलटी साइड की बस बार है जो कि 415 वोल्ट पर काम करती है। यह ट्रांसफार्मर 11000 वोल्ट को 415 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, उसके बाद से यह एलटी साइड के बस बार को चार्ज करता है।
कुछ देर पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर सैंडविच बस ट्रंकिंग सिस्टम का यूज किया गया है। तो ट्रांसफार्मर के आउटपुट से बस बार को यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह एक सिल्वर एंड कॉपर मिक्स केबल है जिसको सैंडविच बस ट्रंकिंग में ले जाकर कनेक्ट कर दिया गया है। एंड देन वहाँ से सैंडविच बस ट्रंकिंग के थ्रू यह इस सब स्टेशन के LT पैनल को चार्ज करती है एंड देन LT पैनल से लोड का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तो यहाँ पर क्लीनिंग करते समय आप इसकी भी क्लीनिंग कर सकते हैं ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। अब बात करते हैं WTI यानी कि वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेशन की। यहाँ पर आपके सामने WTI की तीनों तारों को इस ट्रांसफार्मर के तीनों फेज की वाइंडिंग में कनेक्ट किया गया। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर एक पतली सी वायर जो कि एक वाइंडिंग में कनेक्टेड है, इसी प्रकार इसके तीनों वाइंडिंग में एक एक तार कनेक्ट की गई है। WTI से हमें यह पता चलता है कि यह ट्रांसफार्मर अभी कितना हीटअप हो रखा है। तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेशन कहते हैं। लेकिन अगर यही ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर होता तो इसके अंदर दो प्रकार के इंडिकेशन सिस्टम होते हैं, एक OTI यानी कि ऑयल टेम्परेचर इंडिकेशन तथा दूसरा WTI यानी कि वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेशन। लेकिन यहाँ पर तेल का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है तो OTI की ज़रूरत नहीं पड़ती है ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर में। यहाँ पर WTI की तारों को मैंने आपको दिखा दिया जो कि तीनों वाइंडिंग में, तीनों फेज की तीन वाइंडिंग में कनेक्टेड थी तथा अब यह बाहर ले जाकर एक मीटर में कनेक्ट कर दी जाती है। यहाँ पर एक बार फिर से आपके सामने दिखा रहा हूँ, यह एक थ्री फेज का ट्रांसफार्मर है। तो यहाँ पर टोटल तीन वाइंडिंग है। यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं यह एक गोल सा सर्कल सा जो बना है सिलेंडर जैसा, इसके अंदर एक वाइंडिंग है, एक फेज इसके अंदर है तथा दूसरा फेज दूसरे में तथा तीसरा फेज तीसरे सिलेंडर के अंदर। तीनों वाइंडिंग से एक एक तार निकल रही है जो कि बाहर जाकर एक मीटर में कनेक्ट की गई है और वहां से हमें इस वाइंडिंग का टेम्परेचर पता चलता रहता है। अब मैं बाहर जाकर WTI यानी कि वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेशन को दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर आपके सामने जो देख रहे हैं यह इस ट्रांसफार्मर का कोर है। अब मैं इस ट्रांसफार्मर के अंदर से बाहर निकल रहा हूँ और बाहर जाकर WTI को दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर आपके सामने WTI को दिखाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं फेज टू पे 55 डिग्री सेल्सियस चल रहा है जबकि फेज थ्री पे 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, फेज वन पे 52 डिग्री सेल्सियस है। यह तब है जब यह ट्रांसफार्मर ऑफ हो रखा है। अब बात करते हैं टैप चेंजर की। जैसा कि आप सभी जानते हैं टैप चेंजर के बारे में मैंने एक वीडियो भी बना रखा है। यहाँ पर टैप चेंजर में टोटल 7 पोजीशन है और यहाँ पर ऑफ लोड टैप चेंजर का इस्तेमाल किया गया है। दैट मीन्स ट्रांसफार्मर को ऑफ करने के बाद से ही आप इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं टोटल 7 पोजीशन है। तो प्रेजेंट टाइम में यह ट्रांसफार्मर टैप 4 पे कनेक्टेड है जो कि इस ट्रांसफार्मर की न्यूट्रल पोजीशन है। एंड टैप 4 पर इस ट्रांसफार्मर में 11000 वोल्ट की इनकमिंग सप्लाई देने पर 415 वोल्ट की आउटपुट सप्लाई मिलती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फेज 1 में एक प्लेट नट बोल्ट के सहारे जिस प्रकार से कनेक्टेड है, बाहर सिंबल बाहर डायग्राम में देखकर आप पता लगा सकते हैं कि यह टैप 4 पर कनेक्टेड है। यानी कि अगर पीछे से 11000 वोल्ट की इनकमिंग सप्लाई आएगी तो यह आपको 415 वोल्ट की आउटपुट सप्लाई देगा। यहाँ पर फेज 2 में भी देख सकते हैं, फेज 3 में भी देख सकते हैं कि टैप किस प्रकार से कनेक्टेड है। अब बात करते हैं ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर के अर्थिंग सिस्टम की। यहाँ पर टोटल दो प्रकार की अर्थिंग का यूज किया जाता है। जैसे कि आप ट्रांसफार्मर के केस में देख चुके हैं एक न्यूट्रल अर्थिंग तथा दूसरी बॉडी अर्थिंग। तो न्यूट्रल के लिए यहाँ पर दो अर्थिंग की जाती है एंड बॉडी के लिए भी दो अर्थिंग की जाती है। न्यूट्रल के लिए यहाँ पर टोटल दो कॉपर प्लेट की अर्थिंग की जाती है। यहाँ पर जो आपके सामने अर्थिंग दिख रही है यह इस ट्रांसफार्मर की बॉडी अर्थिंग है जिसे एक जगह कनेक्ट करने के बाद से अर्थ स्ट्रिप में से ले जाकर अर्थ में ग्राउंड कर दिया गया है। यह इस ट्रांसफार्मर की न्यूट्रल अर्थिंग है। यहाँ पर न्यूट्रल में टोटल दो कॉपर की प्लेट आपके सामने दिख रही है। इन दोनों प्लेटों को ले जाकर बाहर ले जाकर अर्थ में ग्राउंड कर दिया गया है। ट्रांसफार्मर में हमेशा टोटल 4 अर्थिंग होती है, दो न्यूट्रल के लिए तथा दो बॉडी के लिए। अर्थिंग की संख्या ज़्यादा भी हो सकती है, अर्थिंग जितना ज़्यादा हो उतना बेटर है, बट मिनिमम 2 अर्थिंग बॉडी के लिए तथा 2 अर्थिंग न्यूट्रल के लिए होना कंपलसरी है। यह इस ट्रांसफार्मर का आउटसाइड का व्यू है। यहाँ पर आपके सामने न्यूट्रल दिख रहा है, बाकी ऊपर 3 फेज हैं जहाँ पर सैंडविच बस ट्रंकिंग सिस्टम का यूज किया गया है। सैंडविच बस ट्रंकिंग सिस्टम के बारे में मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सैंडविच बस ट्रंकिंग सिस्टम का यूज वहाँ पर होता है जहाँ पर करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है तथा उस साइज की केबल हमें नहीं मिल पाती है, तो इसलिए वहाँ पर सैंडविच बस ट्रंकिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। सैंडविच बस ट्रंकिंग सिस्टम में बस बार लगी होती है जो कि जिसके अंदर से करंट फ्लो होता रहता है। अगर सैंडविच बस ट्रंकिंग नहीं होता तो केबल लगी होती, केबल के अंदर से करंट फ्लो होती। लेकिन अगर करंट की वैल्यू ज़्यादा है तो उस साइज की केबल
बनाना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है, इसलिए सैंडविच बस ट्रंकिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है जहां पर लोड ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर में और क्या क्या होता है तथा उसकी मेंटेनेंस में और क्या क्या होता है। यह ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर की छत है, तो आप इसकी छत पर भी जाकर इसको क्लीन कर सकते हैं। यहाँ पर अभी आप देखेंगे छत पर कितना ज़्यादा डस्ट जमा हो रखा होगा, बिकॉज अगर छत पर डस्ट है तो वो कहीं ना कहीं से ट्रांसफार्मर के अंदर चला जाता है, तो बाद में दिक्कत होता रहता है। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे पास में एक ब्लोअर है, इसकी मदद से मैं इसके ऊपर की सारी मिट्टी को साफ कर रहा हूँ। आप इस पर झाड़ू भी लगा सकते हैं या फिर कपड़े से भी क्लीन कर सकते हैं। तो आप इसके छत को आपको पूरी तरीके से क्लीन करना है, जैसा कि कुछ देर पहले आपने ट्रांसफार्मर के एसटी तथा एलटी साइड तथा कोर में क्लीन होते हुए देखा था, इसी प्रकार से आपको छत के ऊपर ब्लोअर से या फिर झाड़ू से या फिर कपड़े से अच्छे से क्लीन कर लेना है। यहाँ पर ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर के अंदर नीचे देख सकते हैं चार पहिए लगे होते हैं, जिसकी मदद से आप ट्रांसफार्मर को एक जगह से दूसरे जगह पर शिफ्ट कर सकते हैं। यह इस ट्रांसफार्मर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए बनाया गया है। इसी प्रकार ट्रांसफार्मर के छत के ऊपर क्लैंप लगे होते हैं, जिसकी मदद से आप ट्रांसफार्मर को लिफ्ट करा सकते हैं तथा पर्टिकुलर जगह पर प्लेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर के क्या एडवांटेज यानी कि क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इसमें आग जल्दी नहीं लगती। दूसरा, यह पीपल और प्रॉपर्टी के लिए सेफ है। इसमें आग क्यों नहीं लगती? बिकॉज इसके अंदर ट्रांसफार्मर ऑयल का यूज नहीं होता, तो इसमें आग लगने का खतरा बहुत कम होता है। इसके अलावा यह इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। इसका मेंटेनेंस बहुत बहुत कम है और पोल्यूशन भी बहुत कम है। जबकि ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर में ऑयल का यूज होता है, तो ऑयल से पोल्यूशन ज़्यादा होता है। इसके अलावा नो रिस्क ऑफ लीकेज ऑफ इनफ्लेमेबल और कंटेमिनेटेड सबस्टांस सच एज ऑयल और सिलिकॉन। क्योंकि इसके अंदर ऑयल का यूज नहीं होता, इसकी वजह से कोई नुकसान भी नहीं होता। इसके अलावा एक्सीलेंट रेजिस्टेंस टू शॉर्ट सर्किट इफेक्ट एंड एक्सीलेंट कैपेसिटी टू सपोर्ट ओवरलोड, यानी कि ओवरलोड को यह कुछ समय के लिए आसानी से टॉलरेट कर सकता है। ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर को इंस्टॉल करना ज़्यादा आसान होता है एज कम्पेयर टू ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर। इसके अलावा भी कई सारे बेनिफिट हैं, यहाँ पर उन सभी बेनिफिट को मैंने इस टेबल में लिख दिया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। जैसे कि यह सेफ, पीपल और प्रॉपर्टी के लिए सेफ है, पॉल्यूशन मेंटेनेंस बिल्कुल कम है या नहीं के बराबर है, इसका इंस्टॉलेशन आसान है, इसे रखने के लिए कम जगह की रिक्वायरमेंट चाहिए, यह एनवायरनमेंट के लिए ज़्यादा अच्छा है, आप इसे पूरा पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर के क्या डिसएडवांटेज यानी कि क्या नुकसान है। ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर की लाइफ ज़्यादा अच्छी है और इसके फेलियर होने के चांस जैसे कि वाइंडिंग फेलियर बहुत कम है, लेकिन अगर एक बार इसमें कुछ फेलियर हो गया तो हमें पूरा ट्रांसफार्मर को रिप्लेस करना होता है। जबकि ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर में आप उस पार्ट को रिप्लेस कर काम चला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको पूरा ट्रांसफार्मर ही रिप्लेस करना पड़ेगा। ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर का दूसरा सबसे बड़ा नुकसान तथा मेन नुकसान यह है कि इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। आप सेम कैपेसिटी के लिए ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर का कॉस्ट ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर की तुलना में बहुत ज़्यादा है, इसीलिए आप अभी सब स्टेशन में या कहीं भी जहां पर ट्रांसफार्मर लगा होगा देखे होंगे, तो वहां पर आपको ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर ही ज़्यादातर देखने को मिलेगा। क्योंकि ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर एज कम्पेयर टू ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर सेम कैपेसिटी के लिए सस्ते हैं। अब बात करते हैं ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर के एप्लीकेशन की। ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर को कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है? जैसे कि यहाँ पर आपके सामने बुर्ज खलीफा दुबई, जो कि दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है, यहाँ पर एबीबी कंपनी के 72 ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। इसी प्रकार शंघाई वर्ल्ड फाइनेंशियल सेंटर, जिसकी हाइट 492 मीटर है, वहाँ पर भी एबीबी कंपनी के 3 ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, जिसकी कैपेसिटी 12,500 केवीए है। इसी प्रकार ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर को सी यानी कि समुद्र के अंदर जहाज में भी यूज किया जा रहा है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ओसिस ऑफ द सी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रूज शिप, जिसकी कैपेसिटी 4000 पैसेंजर है, उसके अंदर भी ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो कि ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉकर सिटी जोहान्सबर्ग, यहाँ पर भी एबीबी कंपनी के ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। यहाँ पर एक चीज आप नोट करेंगे कि ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर के एप्लीकेशन बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि इसके एडवांटेज बेनिफिट बहुत ज्यादा है। सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि इसमें आग लगने के चांसेस बहुत कम है, इसीलिए इसे दुनिया की लगभग सभी ऊंची बिल्डिंगों में इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर जहाँ पर जो मेरे सब स्टेशन में लगा हुआ है, यह भी एक ऑफिस बिल्डिंग के अंदर लगा हुआ है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, वरना डिसलाइक करिए एंड कमेंट कर अपना सजेशन दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एम सीरीज वीडियोज। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।